हेलो प्यारे बच्चों, आज से हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी शुरू करेंगे। इस परीक्षा में जनरल मेंटल एबिलिटी के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ लॉजिक और ट्रिक्स सीखने होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। एक सर्कल दे दिया है और उसमें तीन नंबर लिखे हैं 1, 8, 27 और इधर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, तो हमें इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे देखना है कौन सा नंबर यहाँ पे फिट होगा, हमें ऐसे कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए, 1 है, 1 का स्क्वायर क्यूब 1 ही होता है। 2 का क्यूब क्या होता है हमारा, 2 × 2 × 2 = 8, तो ये हमारा 8 है। फिर हम नेक्स्ट नंबर देखेंगे 3 का क्यूब क्या है, 3 × 3 × 3 हमारा क्या आता है, 27। तो 1, 2, 3। नेक्स्ट नंबर हमारा 4 होगा, तो 4 का क्यूब करेंगे अब हम, 4 × 4 × 4, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 64, तो हमारा राइट आंसर 64 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमको जो है मिसिंग नंबर कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, ये हम कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास ऑप्शन है ए बी सी डी। अब हमारे पास फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रो हैं, तो फर्स्ट और थर्ड रो को ये हम कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास कंप्लीट है। सेकेंड रो में हमको यहाँ पर निकालना है, तो अभी हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। फर्स्ट रो को 3 × 5 × 4, 3 × 5 = 15, 4 × 60, ये आ गया हमारे पास 60। अब हम थर्ड रो को भी देख लेते हैं, क्या इसको मल्टीप्लाई करके 140 आता है। 5 × 7 × 4, 5 × 7 = 35 × 4 हमारा आएगा 140। तो अब हम यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पे x रख लेते हैं, x × 4 × 4 = 96, तो ये हो गया हमारा 16x = 96। x की वैल्यू हमको निकालनी है, 96 को हम 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 6 आएगा, तो हमारा राइट ऑप्शन जो है बी होगा, 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको यहाँ पे भी हमको मिसिंग नंबर फाइंड करना है, तो अब हम देखेंगे 573। इसमें हमने क्या किया है, या प्लस किया है या माइनस किया है, तो इसमें थोड़ा सा हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा ये ट्रिकी है क्वेश्चन। अब हम देखेंगे 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 × 2 = 10, 10 − 3 क्या होता है, = 7। ठीक है, देखते हैं हम इसी पैटर्न से क्या हम इसमें भी हम कर पाते हैं। 20 × 2 = 40, फिर 40 में से अगर हम 10 माइनस करें, क्योंकि हमने ऊपर 3 माइनस किया था, 10 माइनस करेंगे तो 30। तो इस हिसाब से हमको लगता है कि हाँ, यही पैटर्न हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी फॉलो करके देखते हैं। इसी तरह से अब हम 95 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 190। यहाँ पे हम जो नंबर आ रहा था उसको ये वाली सीरीज, इस वाली नंबर को माइनस कर रहे थे, यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क में निकालना है तो इसको हम x मान लेते हैं। 190 − x = 145, तो अब हम −x = 145 − 190 − x = −190 में से 145 माइनस करेंगे तो 45, वही माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी 45 आ जाएगी, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा।